दमोह जिले में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन ने रेत से भरी 45 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। इसे जिले की सबसे बड़ी कार्यवाही माना जा रहा है। जिले के देहात थाना क्षेत्र के नरसिंहगढ़ चौकी अंतर्गत नदी से बड़े पैमाने पर अवैध खनन करके रेत भरकर ले जा रहे करीब 45 ट्रैक्टरों को तहसीलदार महेश दुबे ने जब्त कर किया। इस क्षेत्र में कार्यवाही करने की मांग स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन खनिज विभाग द्वारा जानबूझकर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो नागरिकों ने तहसीलदार को शिकायती पत्र दिया, जिसके बाद तहसीलदार महेश दुबे ने ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए सभी ट्रैक्टर जब्त किए। मौके पर कार्यवाही जारी है। इस कार्यवाही से खनन माफियाओं में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। मुझे मुखर से सूचना मिली कि करीब 15 ट्रैक्टर यहाँ नदी में रेत भर रहे हैं अवैध रूप से, तो मैंने आगे यहाँ पुलिस बल का सहयोग लेकर के यहाँ जब छापा मारी की तो यहाँ 14 ट्रैक्टर मुझे मिले। एक ट्रैक्टर तो 14-15 बता दिए, हो सकता है पहले रेत लेके निकल गया हो, लेकिन 14 ट्रैक्टर मुझे मिल गए, जिसमें से एक ट्रैक्टर वाले ट्राली नदी में खोल के चाबी लेके भाग गया था। ट्रैक्टर तो मिल गया, ट्राली नदी में खड़ी है उसकी, उसको निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। दमोह से श्रीकांत मिश्रा की रिपोर्ट।